वेलकम बैक टू डेकोर मोर विद साक्षी। दिवाली का त्यौहार है, इसके लिए आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 4 लास्ट मिनट DIYs पर दिवाली डेकोरेशंस। तो बहुत लोगों के ये क्वेश्चंस होते हैं कि लास्ट मिनट में दिवाली में घर को किस तरह से सजाया जाए या किस तरह से DIYs किए जाए, तो इसके लिए मैं शेयर करने वाली हूँ ये 4 DIYs। तो इस DIYs के जो भी मटेरियल्स हैं वो आपको आसानी से आपके घर में मिल जाएंगे या ऑनलाइन या क्राफ्ट स्टोर में इजीली मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ मैंने ये वुड का पीस लिया है जिसकी साइज 9x16 inches है और इसके ऊपर ये मैं वुड फिनिश यूज़ करूँगी। दिखने में ये बहुत ही डार्क शेड है पर जब आप इसका फर्स्ट कोट लगाओगे तब ये सूखने के बाद बहुत ही लाइट दिखेगा। पर अगर आपको डार्क शेड रखनी है तो आपको कम से कम इसके 2 से 3 कोट लगाने पड़ेंगे। इसके बाद इसको कम से कम ओवरनाइट सूखने देना है। यहाँ पे मैंने स्टेंसिल ली है और उसके ऊपर मैं ये गोल्ड मेटालिक एक्रेलिक कलर यूज करूंगी। अगर आप ये स्पंज का डैबर यूज कर रहे हैं तो मेक श्योर आप कम से कम कलर का यूज करें क्योंकि ये स्पंज बहुत ज्यादा कलर सोख लेता है और अगर आपने ज़्यादा कलर यूज़ कर लिया होगा तो जब आप स्टेंसिल हटाओगे तब कलर स्प्रेड हो जाएगा और आपकी डिज़ाइन ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ मैं दोनों तरफ बॉर्डर बनाऊंगी और बाकी के दोनों साइड्स एम्प्टी रखूंगी ताकि थोड़ा वुड का इफेक्ट भी दिखाई दे। ये मंडाला आर्ट की स्टेंसिल है जो मैंने अमेजोन से ली है। मैं आपको इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसको यहाँ मैं सेंटर में रख के इसकी डिज़ाइन बनाऊंगी। यहाँ मैंने ये एक्रेलिक सीलर का इस्तेमाल किया है, ये स्पेशली एक्रेलिक कलर्स के लिए है। अगर आप एक्रेलिक कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ये सीलर यूज़ करें, ये बहुत अच्छा है, ये मैट फिनिश भी देता है। और अब बारी है हैंडल्स की। तो मैंने यहाँ ये ब्रास के हैंडल्स लिए हैं। ये हैंडल्स बहुत पुराने हैं, मैंने इनको रिपॉलिश किया है और ये हैंडल्स परफेक्टली इस डेकोर को मैच भी कर रहे हैं, तो मैंने सोचा इसी को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ये स्क्रैच प्रोटेक्टर का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हमने जो ये पीछे से नेल्स लगाए हैं उससे कोई भी टेबल पे स्क्रैच हो सकता है। अगर ये लगाएंगे तो ये नेल्स जो है डायरेक्टली कोई भी सरफेस पे टच नहीं होंगे और कोई भी स्क्रैच नहीं आएगा। तो ये ट्रे बिल्कुल तैयार है, दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ। यहाँ मैंने ये कलर पेपर लिया है और उसके ऊपर मैं ये सेम मंडाला डिज़ाइन की स्टेंसिल यूज़ करूँगी। दिवाली का त्यौहार है इसलिए मैंने मोस्टली ग्लिटर, मेटालिक कलर और ब्राइट कलर्स का यूज़ किया है क्योंकि ये काफ़ी इन्हेंस करते हैं कोई भी आपके घर के कॉर्नर को। तो यहाँ हमारा ये फर्स्ट डिज़ाइन तैयार हो गया है। और इस पेपर पे मैं अब ये पैच का इस्तेमाल करूँगी। ये वही पैच है जो हम ड्रेसेस पे या साड़ीज पे लगाते हैं। तो लीजिए हमारा ये सेकंड पेपर भी रेडी हो गया है और अब हम लेंगे थर्ड पेपर। तो इस थर्ड पेपर पे मैं जो यूज़ कर रही हूँ ये एक वुड का कटआउट है जो मैंने अमेजोन से लिया है और उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी गोल्ड मेटालिक कलर लगा लिया है और इसके बाद मैं इसको इस फ्रेम्स में डाल दूँगी। और इस फ्रेम में मैंने ऑलरेडी उसकी जो ग्लास होती है वो मैंने निकाल दी है। तो हमारा ये DIY भी बनके तैयार है और अब हम चलते हैं अगले DIY की तरफ। ये कुछ कलर्ड बॉटल्स मैंने डॉलर स्टोर से ली है और उसके अंदर मैं ये स्ट्रिंग लाइट्स डालूंगी। ये स्ट्रिंग लाइट स्पेशली बॉटल्स या जार्स के लिए आती है, ये बैटरी ऑपरेटेड ही होती है।
यहाँ मैं ये लेस स्टिकर का यूज़ करूँगी और इस लेस स्टिकर को मैं एग्जैक्टली बॉटल के सेंटर में इसको चिपकाऊँगी और आपको इसको ग्लू की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये डायरेक्टली चिपक जाते हैं। तो इसी तरह से मैं बाकी के बॉटल्स को भी स्ट्रिंग लाइट और लेस लगा के रेडी कर लूँगी। तो देखिए ये सारी बॉटल्स तैयार हैं और अब मैं इस बॉटल के नीचे डबल साइडेड टेप लगाऊंगी ताकि ये जो बैटरी का पार्ट है मैं उसको उसके ऊपर अच्छे से चिपका सकूं। तो यहाँ मैंने ये जिप टाइज लिए हैं, इसको केबल टाइज भी बोलते हैं, और ये जो है मैं इसको बॉटल के ऊपर की तरफ लगाऊंगी। तो जो मैं थ्रेड यूज़ करूंगी वो मैं डायरेक्टली इस केबल टाई के अंदर अटैच करूंगी। तो हमारा ये लास्ट DIY है और मैंने यहाँ पे क्रिस्टल का कैंडल स्टिक होल्डर लिया है और उसके ऊपर मैं ये सेम गोल्ड मेटालिक कलर यूज़ करूँगी। तो यहाँ मैंने ये ग्लास का जार लिया है, आप कोई भी साइज़ का ग्लास जार ले सकते हैं और इसके अंदर मैं ये फेविक्रिल का जो ग्लास कलर आता है लिक्विड फॉर्म में, मैं उसका यूज़ कर रही हूँ। ये पिंक शेड है, इस कलर को इसके अंदर अच्छे से स्प्रेड करना है और ये पूरा जार अंदर से हमें इस पिंक कलर से कवर करना है। इस जार को राउंड राउंड घुमाते रहना है ताकि ये कलर इवनली सब जगह स्प्रेड हो सके। कलर अच्छे से स्प्रेड होने के बाद इसको आपको ओवरनाइट सूखने के लिए रख देना है। तो ये सूखने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है। अब इसके अंदर मैं ये ग्लू लगाऊंगी क्योंकि इसके बाद हमें इसके अंदर ग्लिटर डालना है। ग्लिटर का हमें बहुत ही थिक लेयर लगाना है इसके अंदर क्योंकि जब ये सूख जाएगा तो ये अंदर से इसका पिंक कलर नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि ये जब सूख जाता है तो ये बाहर से कम्प्लीटली डिफरेंट कलर का दिखता है। तो देखिए हमने इसको अंदर से पिंक किया था और अब कम्प्लीटली इसका कलर चेंज हो गया है और अब मैं इस जार को इस कैंडल स्टिक होल्डर पे स्टिक कर दूंगी। ये स्टेप कम्प्लीटली ऑप्शनल है, ये जो स्टोन का जो स्टिकर है वो मैं इसके ऊपर चिपकाऊंगी। तो इस तरह से मैंने ये स्ट्रिंग इसमें अटैच कर ली है। Thank you.
अच्छा लगा होगा प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस ऑन माय अपकमिंग वीडियोस एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली एंजॉय दिस दिवाली स्टे सेफ बाय बाय